बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से, ठीक है। तो तब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग टू द पेट्रोलियम एंड आवर एनर्जी सोर्सेज। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी हमारे पास जो है वो क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ये जो 7 चैप्टर हमने ऑर्गेनिक के पढ़ने हैं इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ये ओवरकम करेगा, ठीक है। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम क्लासिफाई करें तो कौन कौन सी ऐसी सब क्लासेस है जिनके अंदर ये क्लासिफाई किया जाता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, या इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये मेजर क्लास है जिसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक फैमिली का नाम भी दिया, ठीक हो गया बेटा। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को टू मेन क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, टू मेन क्लासेस। वन इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ओपन चेन, यानी जिनमें आपके पास जो चेन होंगी वो रिंग की फॉर्म में नहीं होंगी, इनमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं क्लोज्ड चेन, इनकी जो चेन होगी वो क्लोज्ड होगी, एटलीस्ट वन रिंग जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एलिफैटिक को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्लासिफिकेशन के बाद जो ये क्लास थी और ये आगे सब क्लासेस है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन्स। चेन की बात की ना, ओपन चेन। ओपन चेन दो तरह की होती है, कौन कौन सी जी? एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन और एक को हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे नंबर पे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। स्ट्रेट चेन में क्या होगा जी? हमने रिफॉर्मिंग के टॉपिक में पढ़ा था कि हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं अगर हमारे पास कार्बन कार्बन जो है वो जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ऐसी चेन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। अगर हमारे पास जो है वो इस तरह से आता है कि ऊपर या नीचे की जानिब को चेन लग जाती है तो इसे हमको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच होती है, यहाँ बाकी वैलेंसीज में हाइड्रोजन है, तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच आपके पास आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। स्ट्रेट को हम जाहिर करते हैं एन से, एन मीन्स नॉर्मल, और ब्रांच को हम टू वर्ड से, आइसो या नियो। आइसो मीन्स ब्रांच एंड नियो मीन्स हाईली ब्रांच, ठीक है। ये दो कैटेगरी हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, और इसके अलावा अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसी में आते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में। उसके बाद है जी हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी रिंग वाले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे, डेट इज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो साइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ऐसी साइकिल हाइड्रोकार्बन्स की, ऐसी चेन या ऐसा रिंग जिसके अंदर सारे के सारे जो है वो कार्बन के एटम्स ही प्रेजेंट हो। होमो मीन्स सेम, सेम कौन होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर कार्बन होगी मेन स्केलेटन में, और बाकी साथ में हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो कार्बन के ऊपर मुश्तमिल जो चेन होगी, जो साइकिल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। और जो कार्बन के साथ साथ कोई और हेट्रो एटम उसके अंदर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक को आगे जो है हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं जी। एक को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स हैं, इसको बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं जी? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जिसके अंदर एक बेंजीन का रिंग
प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये साइक्लिक भी हो गया और साथ में बेंजीन रिंग भी आ गई। इनको एलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक भी बोला जाता है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब इनके अंदर रिंग तो होगा लेकिन बेंजीन प्रेजेंट नहीं होगी, बेंजीन इज एब्सेंट। ठीक है, एलिसाइक्लिक में आपके पास ये कोई भी चेन चार वाली ले ले, तीन वाली ले ले, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन सब कार्बन के ऊपर ही मुश्तमिल है, बिकॉज वी आर स्टडिंग होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक है, इसमें भी आपकी बुक में जो है वो टू कैटेगरीज दी हुई है, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन होती है, उसमें से 6 कार्बन निकाल के उसके नाइट्रोजन लगा दें, तो ये भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें आपके पास जो कार्बन की जगह पे एक आपके पास हेट्रो एटम आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये मैंने आपके सामने एक स्कीम लिखी है, डेट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दोबारा सुने, हाइड्रोकार्बन्स को टू मेन क्लासेस के अंदर सेकेंड ईयर हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं जी? एलिफेटिक ओपन चेन, साइक्लिक क्लोज चेन। अब एलिफेटिक क्या, टू सिंपल कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब मैं यहीं पे अलग से नहीं लिखूंगा, यहीं पे इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करता हूं और इनकी डेफिनेशन भी। तो सबसे पहले जी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक। यानी इनके जो पहला एंड होता है, फर्स्ट एंड ऑफ द कार्बन चेन विल नॉट मीट द सेकेंड एंड या एनी अदर एंड। ठीक है, लास्ट एंड या एनी अदर एंड, किसी भी एंड से ये नहीं मिलेगा फर्स्ट एंड। अगर ये मिल जाता तो फिर हमारे पास चेन बन जाती, लेकिन ये मिलते नहीं है, इसलिए ये ओपन चेन होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप कोई भी दे सकते हैं जी। एग्जांपल में हमारे पास है मिथेन, इथेन, CH3OH, CH4, C2H5, Cl, ये सब क्या है? ओपन चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन में आप वही एन ऑक्टेन वाली एग्जांपल दे दें जो हमने रिफॉर्मिंग के अंदर पढ़ी थी, वही मैं आपको लिख देता हूं, या फिर हम वो जो हमने एग्जांपल पढ़ी नियो ऑक्टेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, बियोटेन, उसकी एग्जांपल ले लें। 1, 2, 3, 4 कार्बन है स्ट्रेट में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर इनमें से 3 स्ट्रेट में आ जाए और एक ब्रांच में चला जाए तो यह क्या है? आइसोब्यूटेन, दैट इज आइसोब्यूटेन, और ये है एन ब्यूटेन। 4 कार्बन हैं लेकिन जो इनके बॉन्डिंग का अंदाज है वो डिफरेंट है, इसमें सारे के सारे एक ही सीरीज में अटैच हैं। द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इन अ सेम सीरीज। ठीक है, एक सीरीज के अंदर अटैच होते हैं, बट इन दिस कैटेगरी अ ब्रांच इज प्रेजेंट, वन आर मोर ब्रांचेज आर प्रेजेंट, दैट कॉल्ड एज ब्रांच। ठीक है, उसके बाद आ जाइए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दो कैटेगरीज, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की पहले हम डिफाइन करने लगे जी। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द रिंग इज प्रेजेंट विद ऑल कार्बन एटम्स। सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन एटम्स होंगे जिसकी हम बात करेंगे, जो रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आगे टू उसकी कैटेगरीज है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। और बेंजीन क्या होती है? 6 कार्बन एंड ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन, इट मींस 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इस तरह भी लिख लेते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन है। तो ऐसे कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक क्या, मैं कोई एग्जांपल्स लिखता हूं, एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, बिकॉज सबके अंदर जो है एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। Those hydrocarbons which contain at least one benzene ring are called as aromatic hydrocarbons. Alicyclic क्या हुए? वो hydrocarbons जो ring तो रखे लेकिन benzene ring ना हो, जिनके अंदर benzene ring present नहीं होती।
ये स्टार्ट होते हैं थ्री कार्बन से, 1, 2, 3, क्योंकि रिंग जो है वो एटलीस्ट थ्री कार्बन से बनता है, सिंपल रिंग कह लें इसे। बाकी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर लें, CH2, CH2, CH2। फार्मूला और नेम इसका बनेगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से हमारे पास जो है वो भाई यहाँ पे एक और जो है वो फोर कार्बन वाली बना देता हूँ, उसकी टू स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। दो तरह से बन सकती है, कार्बन 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 एंड कार्बन। ले जी, फर्स्ट एंड लास्ट एंड से मिला हुआ है इसलिए ये रिंग की फॉर्म में, और इसका नाम है साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए इनके अंदर, किसी भी जगह हम एक डबल बॉन्ड इंड्यूस कर दें, तो ये क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। दे हैव रिजेंबलेंस विद द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इनकी रिजेंबलेंस एलिफेटिक के साथ होती है, बिकॉज ये भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रखते हैं, ये भी डबल सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, लेकिन इनके डबल सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट नहीं होते, अल्टरनेट बेंजीन में होते हैं। डैट्स वाई एलिसाइक्लिक की रिजेंबलेंस एलिफेटिक के साथ है, क्लियर। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स, या अगर हम सिंपल हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन करें, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव साइकल विद कार्बन एंड एटम्स अदर देन कार्बन, ठीक है, विच कंटेन्स एटम्स अदर देन कार्बन एटम। अब वो अदर देन कार्बन कौन सी है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी, सल्फर भी, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको जो है उसकी समझ आ जाए। तो अब मैं देने लगा हूँ आपको हेट्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं बेंजीन की ही डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने बेंजीन बनाई थी। अब ये 6 नंबर कार्बन पे अगर मैं हटा के कार्बन उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दूं, डेट इज पायरीडीन, ठीक है। अब ये एरोमेटिक तो है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है, लेकिन डेट इज नॉट होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक है बिकॉज ऑफ दिस एटम, इस एटम की वजह से ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। दूसरा है जी हमारे पास फ्यूरॉन, 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन यहां पे आपके पास जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डेट इज फ्यूरेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा और एटम्स आ जाएं, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो डेट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ आपने दो दो एग्जाम्पल याद करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपने एहतियातन जो है वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम है, ये हर ब्रांच जो है वो अपने अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन रखती है, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। डेफिनेशन एंड आफ्टर डेफिनेशन यू हैव टू राइट एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स, आपने टू एग्जाम्पल्स जो है वो इसके पुट करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, इसको गौर से देखें पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे जो है वो अपनी गूगल क्लासरूम में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।